बाबूजी, ये बताइए आपकी तबीयत अब कैसी है? बिल्कुल अच्छी है और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, क्योंकि आपकी वजह से हमारी नई जिंदगी बनी है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। इस वक्त मैं सिमर सरहद पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सम्राट से वादा किया है। बाबूजी, बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, आखिर क्या कहना चाहती हो? तो छोड़ कर सावरी को जाओ नहीं, छोड़ कर सावरी को जाओ नहीं, प्यार करती हूँ तुमसे दिलो जान से, बिन तुम्हारे न जिंदा मैं रह पाऊंगी, छोड़ी कर सावरी को जाओ। हो जाऊंगा सुने से को बढ़ाओ नहीं, जाओ अपने भवन को और जाओ चली, इसलिए मोह मुझसे बढ़ाओ नहीं, जाओ अपने देखिए तुम पागल हो चुकी हो। नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप तो जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा अनाथ हूँ। अगर आपका सहारा मिल जाएगा तो इससे खुशी की क्या बात हो सकती है? तुम जानती हो कि सीमा सरहद पे दोनों तरफ से गोलियां चलती है, ना जाने किस गोली पे हमारी मौत लिखी हो, इसलिए हम किसी के जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। तुम चुपचाप अपने भवन को जाओ। मैं जानती हूँ कि आप वहाँ गोली से खेलती है। अगर मेरी शादी आपके साथ हो गई, उसके बाद आपको कुछ हो जाएगा तो मैं ये समझूंगी कि मेरे स्वामी एक सच्चे देशभक्त थे जो सीमा सरहद पे अपनी जान खुशी खुशी दे दिए, और मैं आपकी विधवा बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर दूंगी। ये तेरे दिल में आ
ख्याल है, लेकिन दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्ती को निभाना आसान नहीं है। मैं निभाऊंगी, आप जैसा चाहेंगे तो ठीक है, अगर काशी ये बात है तो ठीक है, मुझे आपकी बात बिल्कुल स्वीकार है। तो बाबूजी, आप अपने हाथों से मेरी मांग सजा दीजिए, जो सोनी सोनी निरहुआ निरहुआ। क्या कर रहे हो, कहाँ था इस वक्त, कहाँ थे इस वक्त, ये बताओ। सीमा सराह की ओर जाना चाहता हूँ। हाँ जाना चाहते हो ना, ये बताओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। प्यार हो रहा है, एक काम करो, जाओ तुम इसी वक्त इंगोल लेकर के आओ। क्या अरे अंगूर लेकर के आओ। हाँ हाँ अंगूर की बात करता हूँ, लेकर के आओ फिर हम बताएंगे। हो ले आए, अरे वाह, तुम्हारी बातों को कोई ख्याल नहीं करता ना, हवा है चल रही है तो चलने दो। अबे साले कच्ची पक्की क्या है, दंग नहीं साले फट जाएगी। ये बता, इधर आ, ए इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ, ये बता, ये सामान हर वक्त अपने पास रखता है क्या? हाय कहाँ है, आखिर एक ता ये कर रखी था हमेशा अपने पास, जैसे हम कहूँ जाते हैं कौनो औरत मिली तो ओके मांग भाई आगे बढ़ गए। अच्छा, ये कौनो लौंडिया मिली ओके मांग भाई ना आगे निकल गए। अरे वाह, मांग भाला का इधर रोज दिन भर हम 10-12 दिन। बस तेरा यही काम खेली, केवल मांग भरो बस आगे बढ़ो। अरे मांग भरो आगे बढ़ो, और इसकी परवरिश कौन करेगा? हकम जिम्मेदार थोड़े, खाली मांग भरने के जिम्मेदार हो। बोलते हैं सधवाइन नहीं बोलते हैं। अरे पगली, कहते हैं सहबाइन पाए लागू। ए आज नहीं कल जाएंगे, जानते हो ना मेरी नई नई शादी हुई है, वो क्या होगा ना पता है तुमको, तुम्हारी शादी नहीं हुई, ठीक है मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। हाँ जाओ ना। ए देखे इसकी बातों में मत जाना, ठीक है? हाँ मैं जानती हूँ। और आज मुझे वो खुशी मिली है जो जिंदगी में आज मुझे पहली बार मिली है। मुझे भी बहुत खुशी मिली है आपको पाके। तो फिर दूर ओ काफी मजाक कर लेता आपका दोस्त। क्यों नहीं, चलो चलते हैं क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। हाँ क्यों नहीं। और चाहूंगा
मुझे साज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज में बैठे आते होंगे। हाय मेरी जान, अब तो जरा हंस दो। क्या बात है? क्यों, क्या हुआ? मैं गया था सीमा सरहद के पार, तो और सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को मैंने गोली का निशाना बना दिया। तो क्या हुआ? लेकिन एक बुरी खबर है, जब वहां से मैं अभी दरबार आ रहा था तो मैंने क्या देखा, सेनापत अपने बंगले पर बैठा चाय पी रहा था। लेकिन आपने गोली कहां मारा है? ओ शराम जादे को मैंने सीने पर गोली मारा है। फिर कहां मारता? अबे सीना और छाती कहीं अलग अलग है क्या? क्यों? ओ ऐसी हरामखोर कहीं का, वो एक ही चीज है। लेकिन मैं परेशान हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेनापत मरेगा कैसे। क्यों नहीं मरेगा? जो काम तुम नहीं कर सके वो काम अब ये महारानी चमेली करके दिखाएगी। क्या? तुम करोगे? हाँ। सच? मैं सच कहती हूँ। यानी कि सेनापत मर जाएगा? हाँ। वो कैसे? वो ऐसी
तिरिया जाल में। यानी कि तुम जाल बिछाओगी? हाँ। नाले कहीं का सारी शौरी की बात नहीं हो रही है, यानी तिरिया जाल की बात हो रही है। हाँ। क्या करोगी उसके साथ? उसे मैं अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी, अगर नहीं माना तो उसे मैं अपनी ये तवीज उसे सुंघाकर बेहोश कर दूंगी। ओह माय गॉड, क्या तुम्हारा दिमाग है मेरी जान। लेकिन हाँ, दिमाग, लेकिन हाँ, जिस वक्त मैं बेहोश कर दूं उस वक्त मैं शोरगुल मचाऊंगी और तुम्हें महाराज को लेकर मेरे पास तक आना होगा। ठीक है, इतना काम अगर तुम करोगी तो बाकी महाराज को आग ऐसे लगाऊंगा, ऐसा भड़काऊंगा महाराज को कि उस हरामजादे सेनापत को सीधा फांसी की सजा मिलेगी। ठीक है, ए क्या? लेकिन आज मान गए तुम्हारे दिमाग को? हाँ। कि अगर जिंदगी हो और अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो
जब तुम चिल्लाओगी तो मैं महाराज को लेकर आ जाऊंगा। हाँ, ऐसा न हो कि आप भूल जाएं। अरे ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा क्रियाजाल फर्स्ट क्लास। निरहो कहे जाइए। सेनापति से बोला कि महारानी ने अपने कक्ष में याद किया है। जैसे आज्ञा। अचानक याद करने का कारण क्या हो सकता है? कुछ नहीं, ऐसे याद कर लिया मैंने आज। चलो ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि और इतनी समय और अचानक क्यों बुलाया गया है। हाँ हाँ, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए। बोलो। आपके सर के ऊपर क्या है? ये हाँ, इसे कैफ बोलते हैं। जरा मुझे दिखाइए। अरे ये सब आप ही का तो है। बस अगर इतना ही काम था तो फोन में बता दिया होता। नहीं, अभी और काम है। और काम है? आपकी कमर में क्या है? इसे औजार बोलते हैं। कितनी सुंदर है, जरा मुझे दिखाइए। लेकिन इसकी क्या है, तुम्हें क्या जरूरत है? अरे मैं देखना चाहती हूँ। तो ठीक है, वापस कर दूंगी। ओ ठीक है। बस बस इतना ही काम था। अगर इतना ही काम था तो मुझे फोन में बता देती तो मैं नौकर द्वारा भिजवा देता। लेकिन और कुछ कहना चाहती हूँ। ओ सेना पते जग में सुना पड़ा है नाम। Thank you.
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं आपका एक नौकर है और नौकर की हैसियत क्या होती है आप अच्छी तरह से जानती हैं। अरे राजा, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। देखो मेरी जवानी, मैं चलती हूँ। समझा रही हूँ पर मेरी बात मान नहीं रहा है।
निर्दोष जाऊं स्वर्ग को, निर्दोष जाऊं स्वर्ग को, तो आए मेरे भगवान तो मेरे मैं कब से समझा रही हूं, मेरी बात मान नहीं रहा है। और मान ले कहना मेरा नवसिल से इंकार कर, ओ पलंग पे तू मेरे चैन से आराम कर। हराम जादी मेरी बात नहीं मान रहा है, बस 5 मिनट की बात है। आ राजा मारो हाथ चक्कर दे। जय संतोषी है, जय संतोषी है, मुझसे हर की छोड़ने वाला नहीं है, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं कभी ऐसा खोटा कर नहीं करूंगा। दिखाऊंगी कहते है जिस पत्तल में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता, उसमें तो सुराख किया जाता है। नहीं नहीं